वार्ड नंबर 69 आदि विश्वेश्वर कांग्रेस से संभावित पार्षद प्रत्याशी अब्दुल हमीद डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। फोर्थ पिलर की टीम से अब्दुल हमीद ने बताया कि क्षेत्र में सीवर सड़क एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वही समाज सेवी के रूप में वह क्षेत्र में भी कर रहे हैं कई विकास कार्य। सड़क सीवर पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुँचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। इसी क्रम में हमारी फोर्थ पिलर की टीम वार्ड नंबर 69 में पहुंच चुकी है आदि विशेश्वर में। आपको बता दें कि हमारे साथ यहां पर कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी अब्दुल जी मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वह इस बार चुनाव में उतर रहे, आइए उनसे जानते हैं। अब्दुल जी, आप पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। अब्दुल हमीद चुगे, वार्ड नंबर 69, वार्ड अध्यक्ष, भावी पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस। जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में उतर रहे हैं। अगर हम आपको मुद्दा गिनाने लगेंगे तो मुद्दों की तो भरमार है हमारे वार्ड में, मुद्दों की भरमार है। आप अभी रोड पे आई होंगी तो आपने देखा होगा कि कहीं आपको चौका नहीं सही मिला होगा और गली में पानी भी तो मिला ही होगा। इसी गली में आपको पानी मिला होगा। सीवर की व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, मतलब इसे स्ट्रीट लाइट कहीं जल रही है कहीं नहीं जल रही। इसी सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम आए। जी, यह भी जानना चाहेंगे कि जब आप यहाँ के लोगों से रूबरू होते होंगे, जनता से, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आप तक वो रखते हैं? समस्याएं बहुत सी हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इस वार्ड में सबसे बड़ी, किसी भी गली में आपको चौका मतलब विजिटिंग नहीं हुआ है 5 साल के अंदर किसी भी। जी, मतलब गली में चौका की रिसेटिंग नहीं हुई है। सीवर लाइन जाम है। अभी अगर आप हमारे साथ अगर रोड पे चल रहे तो हम आपको दिखला भी देंगे कि सीवर लाइन कितनी जाम है। पानी सीवर ऊपर ओवरफ्लो है, दुकानदारों को परेशानी हो रही है। और ये जहां आप बैठी हैं, जिस वार्ड से हम आते हैं, आदि विशेश्वर और नाम पड़ा है, इसके पहले ये वार्ड नंबर 76 हड़ा हुआ करता था। जी, अब 2 वार्डो का विलय करके करीब 2 या 2.5 वार्ड, कुछ हिस्सा मधमेश्वर का आया है, कुछ हिस्सा ये अंकित यादव जहाँ से समझ सकते हैं उनका आया है, और पूरा दालमंडी मतलब बेनिया वार्ड जो था वो विलय करके, हड़ाहा वार्ड को विलय करके आदि विशेष बेनिया वार्ड को विलय करके आदि विशेष और वार्ड बनाया गया है। और ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे सर्राफा मंडी है और कॉस्मेटिक का काम है, जो उसका काम है, मतलब हड़ासराय की पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। उस मंडी में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। रोज पानी बह रहा है, सिवा 10 दिन बह रहा है। फोन करो, कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है। मैंने भी, हमने भी बात की, हमारी टीम गई थी आपके वार्ड में, कुछ लोगों से बात किया। साफ तौर पर जैसे आप बोल रहे कि सीवर की समस्याएं हैं और कूड़ों का अंबार भी देखने को कई जगह मिल रहा है, और कई सारी केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं भी हैं, जैसे वृद्धा पेंशन योजना हो गया, आवास योजना हो गया, उनका लाभ आपकी जनता नहीं आके उठा पा रही है। तो अगर वो आपको चुनती है तो क्या कुछ कहेंगे? हमको चुनती है तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, जो जिसके लिए है, उस योजना का पूरा लाभ उन तक पहुंचे। हमारा यही सर्वप्रथम काम होगा कि सारी योजनाओं को हम मतलब उनके पास तक ले जाएं, कैंप लगा के ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो गली गली में घूम के जाएंगे, देंगे अपने वार्ड में पूरे एक एक गली में घूमेंगे। और जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ सरकार देती है योजनाओं से, तो हम पूरी तरीके से उनको उस लाभ का मतलब वो पहुंचाएंगे। आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी हमने बात की कि योजनाओं का तो आप जीतने के बाद लोगों को लाभ देंगे, अभी तक ये सारे कार्य हुए क्यों नहीं है? ये हम जानेंगे, जनता से भी बात की तो उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, तो कहाँ कमी आ रही है? कमी ये आ रही है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, अभी हम ही चुनाव जीत गए और हम अपने घर पे बैठ गए, तो जो जनता के पास लाभ कहाँ से जाएगा? जब हम चुनाव जीतेंगे, जब अपने वार्ड में घूमेंगे, अपने वार्ड के लोग को बताएंगे, तब उन तक लाभ पहुंचेगा। हम तो चुनाव जीत के अपने घर बैठ जाएंगे तो कहाँ से पहुंचेगा? आगे जो भी पार्षद हुए हैं, हम किसी की बुराई या उसके उससे नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही काम किया है कि वो बैठ गए, जीत जाने के बाद ये सोचते हैं कि हम राजा हो गए, इस वार्ड के हम राजा हो गए। लेकिन जनता राजा नहीं चुनती है, जनता नौकर चुनती है। वोट देती है जनता तो हमें इसी उम्मीद से देती है कि हम इनको जिता रहे हैं तो ये हमारा काम करेंगे, हमारी जो सरकारी कामों में अड़चन आएगी वो दूर करेंगे। बड़ी बड़ी समस्याएं आती है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को महीनों महीनों भटकना पड़ता है, उनको सही जानकारी नहीं दी जाती कहाँ जाना है। और जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हमारे वार्ड का अगर कोई भी आदमी की मृत्यु हो गई है तो उसका यही सब कार्य के लिए तो हमें उनका मृत्यु प्रमाण बन जाए, उनके गली में कूड़ा ना रहे, लाइट नहीं जले, लाइट जल जाए, सीवर वो सीवर बह जाए। और क्या काम है पार्षद का? और तो कोई काम हमें समझ में आता नहीं है पार्षद का। पार्षद का तो सिर्फ इतना ही काम है कि मतलब अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को दूर करे। जी जी,
क्योंकि कई लोगों से बात किया, ऑनलाइन की समस्याएं आती हैं लोगों को यहाँ पर, उसका भी जैसे कोई योजनाएं आ गई हैं आजकल, सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं, ऑनलाइन की सुविधा नहीं लोग कर ले पा रहे हैं, लोगों को बताने वाला कोई नहीं है, तो वो कैसे पार्षद पे चुने? वो कई लोग भी ये बोलते हैं कि जब हम जाते हैं पार्षद प्रत्याशी के पास जो जीते रहते हैं, तो उनके पास समय नहीं रहता है, जब वोट मांग के समय आते हैं तो उनके पास समय रहता है, पर जीतने के बाद वो समय नहीं देते हैं, क्या कहना होगा? हमने आपको बताया कि हम अपने आप को राजा मान लेते हैं जीतने के बाद जी, तो प्रजा की हम सुनते ही नहीं है, लेकिन राजा वही बेहतर है जो प्रजा के बीच में रहे जी। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, अभी आने पिछले 5 साल से मैं लगातार बीच में हूँ, और अगर जनता अपने प्यार से और आशीर्वाद से हमें सम्मान देती है तो हम आगे तो मतलब दूसरी किस तरीके से हम बताएंगे जनता के बीच में रहेंगे, ये हम नहीं बता सकते, वादा नहीं कर रहे, लेकिन जनता ये नहीं कहेगी कि हमारा पार्षद हमें दिखता नहीं। आप एक समाज सेवी भी, समाज के लिए अभी तक आपने क्या कुछ किया अपने क्षेत्रवासियों के लिए, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। अब हम अपने मुंह से बताएंगे तो फिर भी जो कार्य किया है आपने वो तो बताना होगा। ठीक है, कभी सीवर लाइन जाम हो जाती है तो अपने स्तर से जितनी मेहनत हो सकती है करके करवाते हैं। अभी बेनिया चौराहे पे एक स्ट्रीट लाइट लगी थी बगैर किसी सूचना के, किसी वजह से बिगड़ उगड़ गई थी, तो नगर निगम वाले काट के लेके गए, लेकिन हमने बड़ा प्रयास किया, हमारे उस्ताद हैं, हम अपने राजनीतिक गुरु कह लें सीताराम केसरी जी को, उनके जरिए हमने बड़ा प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भाई वो सिविल लाइट लगी, जिसके लिए मैं अपने गुरु का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे गुरु हैं, हमारी तो हैसियत नहीं थी स्ट्रीट लाइट लगवा लेने की, क्योंकि बजट का काम होता है जी जी। लेकिन उन्होंने बहुत अथक प्रयास से और हमारी मेहनत पे उन्होंने वो स्ट्रीट लाइट लगवाई, और आप अभी जाएंगी तो वो आपको दिखेगी। आपकी क्षेत्र की जनता आपसे क्या कुछ उम्मीद करती है, अगर आपको जिताती है तो क्या उम्मीद रख सकती है? क्षेत्र की जनता उम्मीद तो बहुत सोचती है कि हमारा पार्षद हमारे बीच में हो जी, जी, जी। लेकिन वार्ड भी हमारा बहुत बड़ा हो गया, आपको बताया करीब करीब 2.5 वार्ड का हमारा वार्ड आदि विश्वेश्वर हो गया है। अच्छा, पहले ये वार्ड हड़ाह के नाम से जाना जाता था, वार्ड नंबर 76, अब बहुत बड़ा वार्ड हो गया, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने जनता अगर हमें अपने प्यार से आशीर्वाद से हमें जिताती है तो हम उनकी हर परेशानी को अपनी परेशानी बना लेंगे और हर दुख को उनका अपना दुख बना लेंगे। क्या वोट अपील करना चाहेंगे जनता से? वोट अपील ये करना चाहेंगे जनता बेहतर जीत को समझे जी। अगर जनता को लगता है कि हमसे भी बेहतर कोई है, क्योंकि हम लगातार 5 साल से अपने वार्ड में हैं, अगर जनता को ये लगता है कि हमसे बेहतर भी कोई प्रत्याशी है तो जनता उसको भी चुन सकती है, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन जनता समझदार है, जनता चुनेगी, जो काम किया जनता चुनेगी उसको अपना प्यार और सम्मान देगी। धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी हम बात करते हैं अब्दुल जी से, साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जनता जिन्हें चुने उनका वो सहयोग करे, जिन जो ही काम कर रहे हैं अपने वार्ड में उनको ही वो चुने, क्योंकि साफ तौर पर उनका ये समाज सेवी के रूप में वो तो वो कार्य कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनका यही कहना है कि जीतने के बाद भी जो कार्य बचे हुए हैं और जो उम्मीद लगाएंगे उनसे वो जरूर ही वो कार्य पूरा होगा। आपको बता दें कि अभी विश्वेश्वर वार्ड में हम हैं और यहाँ पे हम अब्दुल जी से बात कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर यही बताया कि जीतने के बाद जो भी जनता की समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निवारण होगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाठवा, 4th पिलर न्यूज।